हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सिदी। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका टॉपिक मैं आप लोगों को बुक्स एंड ऑथर्स पर दिखाने वाली हूँ कि बुक्स एंड ऑथर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के वहाँ पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं वो है बुक और ऑथर से रिलेटेड। आप लोगों का 100 मार्क का क्वेश्चन होता है, सॉरी 100 क्वेश्चन होते हैं और 400 मार्क का पेपर होता है, लेकिन जिस 100 में से आप लोगों से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो बुक और ऑथर के बेस पे पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया तो आपको 15 से 20 नंबर क्वेश्चन जो है, और जो कि आप टोटल कर लो कि अगर आपने 15 क्वेश्चन ठीक करे और 4 मार्क पर क्वेश्चन है तो आप लोगों के कितने मार्क्स यहाँ आने वाले हैं। ठीक है, तो आपने अगर 15 क्वेश्चन सही करे पर क्वेश्चन 4 मार्क है तो आप लोगों के 60 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी अच्छी तैयारियां करके जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि 100 में से 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों के किसके बेस्ड है, बुक्स एंड ऑथर पे। तो अभी तक मैंने आपको एंशंट से लेकर के मॉडर्न तक की पूरी कंप्लीट बुक्स एंड ऑथर करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेकआउट कीजिए, वो पूरी कंप्लीट कर लीजिए उन सीरीज़ को, जिसमें मैंने कम से कम 3 से 4 वीडियो बनाई हुई है। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगी कि बुक्स और ऑथर से रिलेटेड किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड आपको हर साल प्रीवियस ईयर में आप चेकआउट करेंगे तो इनसे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो उससे पहले मैं क्वेश्चंस कराऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को उनके कुछ बुक्स के नाम आपको ज़रूर याद करवाना चाहूँगी। तो आपको याद करना है, इसको स्किप मत करना, इनको याद करके पेपर में ज़रूर जाना और ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्टूडेंट पहली जो बुक लिखी थी वो है कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जीनीज एंड डेवलपमेंट। ये बुक इन्होंने लिखी थी 1916 में। ओके, नेक्स्ट बुक का नाम अगर हम देखेंगे तो वो है मूड नायक वीकली, इन्होंने लिखा था ये 1920 में। ठीक है, तीसरी बुक जो है स्टूडेंट वो है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये थर्ड बुक है इनकी, जो कि उन्होंने 1923 में लिखी थी। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत, ठीक है, बहिष्कृत भारत ये बुक लिखी थी इन्होंने 1927 में। ये सारी बुक जितनी भी मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ स्टूडेंट, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है। नेक्स्ट है जनता, तो जनता बुक भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो है 1930 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि इन्होंने लिखी थी 1936 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्लियर हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को भी जरूर मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आप लोगों का फेडरेशन ऑफ फॉर वर्सेस फ्रीडम, ये लिखी थी इन्होंने 1939 में। नेक्स्ट बुक लिखी थी थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये लिखी थी भीमराव अंबेडकर ने 1940 में। बात करेंगे क्वेश्चन जो इनकी 9th बुक है वो है रानदे गांधी एंड जिन्हा, ये वाली बुक इन्होंने लिखी थी 1943 के अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने ये 9 बुक देखी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी थी, और आपसे किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बेस्ड आपसे किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट आपसे यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि आप लोगों को ऑप्शन में दे दिया जाएगा, एक आप प्रीवियस ईयर चेक करेंगे आपको ऑप्शन में मिलेगा एक कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जीन्स एंड डेवलपमेंट, द एनिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट ऑफ पाकिस्तान, एंड ये चार बुक आप लोग ले लेते हैं, जिसमें से सिर्फ 3 बुक के नाम वो आपको यहाँ पर देंगे। ठीक है, जिसमें से ये आपको 3 बुक के नाम इसमें से कोई भी दे देंगे और चौथी बुक उन्होंने लिख कौन सी कुछ दूसरे लिख देंगे, जैसे कि उन्होंने लिखा था ऑप्शन में गुलामगिरी, ठीक है,
उन्होंने लिखा था गुलामगिरी। तो अब आपको इन चार ऑप्शन में ये पूछा कि इनमें से कौन सी एक बुक है जो भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं लिखी है। तो उसके लिए स्टूडेंट आप लोगों को ये जब याद होंगे इनकी लिखी हुई बुक, तभी तो आप लोग उसको चूज कर पाएंगे। क्योंकि कास्ट इन इंडिया भी भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज भी भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है, जनता भी भीमराव अंबेडकर ने लिखी हुई बुक है उनकी, लेकिन गुलामगिरी उनकी लिखी हुई बुक नहीं है। गुलामगिरी किसने लिखी थी ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये लिखी थी ज्योतिराव फुले ने। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ज्योतिराव फुले ने ये बुक लिखी थी। तो इस तरीके से आप लोगों से बुक्स एंड ऑथर से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ नौ थे आगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो ये बुक कुछ नौ बुक देख ली, अब आगे देखेंगे। बस आपको इन बुक्स को जरूर याद करना है स्टूडेंट, इनको बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। क्लियर, ये मैंने आपको क्रांति के रांधे गांधी एंड जिन्हा ये बुक लिखी थी इन्होंने, भीमराव अंबेडकर ने 1943 में, मिस्टर गांधी एंड इमेनिसिपेशन ऑफ अनटचेबल ये बुक भी किसने लिखी थी, भीमराव अंबेडकर ने 1943 में। क्लियर, नेक्स्ट है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल ये इन्होंने लिखी थी 1945 में। नेक्स्ट बुक लिखी थी पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का जो पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, उसके ऊपर बुक जो लिखी थी वो लिखी थी भीमराव अंबेडकर ने 1945 में। नेक्स्ट उन्होंने बुक लिखी थी स्टेट एंड माइनॉरिटीज 1947 में। नेक्स्ट वन इज हु वर द शूद्रास, तो वो थे 1948 में कि शूद्रास कौन थे, इसके ऊपर भी बुक लिखी थी भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस 1948 में, द अनटचेबल ये दोनों बुक इन्होंने 1948 में लिखी है। बुद्धा और कार्ल मार्क्स ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर में कि 1956 में इन्होंने ये बुक लिखी थी, बुद्धा एंड हिज धर्म, बुद्धा के बारे में उनके धर्म के बारे में भी बुक लिखी थी भीमराव अम्बेडकर ने 1957 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थी। लास्ट एक और है रिडल्स इन हिंदुज्म, ये भी बुक इन्होंने लिखी थी भीमराव अंबेडकर ने। तो ये ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको पता होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर ने कौन कौन सी बुक लिखी थी। मैंने और आपको ये भी तक बता दिया कि किस किस तरीके से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को स्टूडेंट ये 18 से 19 बस ऑथर से आपको बुक्स याद करनी है, पक्का आप लोगों के 2 मार्क्स यहाँ पे पक्के होने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन आप लोगों के, और ये क्वेश्चंस भी आपको ज़रूर करना क्योंकि ये भी अब कौन कौन से ऑथर और किस और भी बुक्स और ऑथर्स हैं किस बेस पे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। पहला क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा था गांधी एंड अनार्की वॉज रिटन बाय, जो गांधी बुक है और अनार्की बुक जो है ये किसने लिखी थी, और आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ओके, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिरसी शंकरान नेर ने लिखी थी। क्लियर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांधी एंड एनार्की वॉज रिटन लिखी थी इन्होंने ये। आप लोगों को स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के भी सारे बुक्स और ऑथर याद करके जरूर जाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, हु रॉट द इन्फ्लुएंस बुक हिंदू पॉलिटी, तो हिंदू पॉलिटी की जो बुक है ये किसने लिखी थी, आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी के पी जायसवाल ने। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, गांधी जी वो डिस्क्राइब एज द फादर ऑफ द नेशन बाय, गांधी जी ने डिस्क्राइब किया था कि फादर ऑफ द नेशन बाय, कि जो ने हमारे राष्ट्र का जो पिता है वो कौन है, उन्होंने ये किसको कहा था, तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस को। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ऑथर ऑफ सिरा सियार उर औलिया इज, तो सियार उर औलिया के ऑथर कौन थे, तो वो हैं आमिर कुवट को, ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट ये राइट आंसर है। तो इस तरीके से बुक्स एंड ऑथर आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो और भी ऐसे मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, आज की वीडियो इतनी रखेंगे क्योंकि वरना वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। बट आप लोगों को स्टूडेंट सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर जितने भी मैंने आपको बुक्स दी हैं उनको याद कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनके उसके ऊपर क्वेश्चंस लेकर आऊँगी कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको मुझे वहाँ पर कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना है जिससे कि आप लोगों की तैयारियाँ भी
अच्छी से हो जाएंगी। ओके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइक करो वीडियो पसंद आई तो। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में ताकि उनको भी हेल्पफुल हो। और ज्यादा वीडियो पसंद आई स्टूडेंट लाइक जरूर करना। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए। और बहुत सारे बच्चों की आ रही है कि मैम आपकी वीडियो जब आती है तो हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो स्टूडेंट आप नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं वहाँ पे क्लास का लिंक डाल देती हूँ तो आपको उससे पता चल जाएगा। वैसे डेली आप लोगों को 10 बजे वीडियो देखने को चैनल पर ज़रूर मिलेगी। ओके, ऐसी वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को कितनी हेल्पफुल है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्टूडेंट आपको ज़्यादा लाइक ज़रूर करनी है ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले कि हाँ आपको मेरी पढ़ाया हुआ और मेरी जो मेरी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ आपके ऊपर ले कर आऊँ। ओके, आज की क्लास कैसी लगी सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। स्टूडेंट आज की क्लास बस इतनी ही रखते हैं, BR अंबेडकर की बुक्स और का होमवर्क याद करके जाना ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए तैयार रहना, आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।